नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 जून 2020 और स्वागत है आपका पहली बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल हल्द्वानी बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? उत्तराखंड की सरकार ने अपने राज्य का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क ओपन किया है हल्द्वानी में। कब? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को होता है, इस मौके पर। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, बायोडाइवर्सिटी पार्क का क्या मतलब होता है? आप मुझे बायोडाइवर्सिटी का मतलब बता दीजिए, पार्क का मतलब तो आपको पता है। देखो, बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोलॉजिकल प्लस में डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, या फिर कहें वैरायटी ऑफ लाइफ इन पर्टिकुलर हैबिटेट। अब देखो, लाइफ तो किसी भी प्रकार की हो सकती है ना, प्लांट, एनिमल, लाइकन्स, फंगी, ये सब क्या हैं? ये सब लाइफ की वैरायटी हैं। तो इन सब की वैरायटी पर्टिकुलर हैबिटेट में, इसे हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। ये डेफिनेशन हमने इसलिए डिस्कस की क्योंकि बहुत बार यूपीएससी ने सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे इकोसिस्टम की क्या डेफिनेशन है या फिर इन्वायरमेंट की क्या डेफिनेशन है। तो बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। अब बात करें इस हल्द्वानी बायोडाइवर्सिटी पार्क की। यहाँ पर देखो, थीम बेस्ड गार्डन्स हैं, यानी काफ़ी सारे गार्डन्स हैं, काफ़ी सारे सेक्शंस हैं और उनकी थीम अलग अलग हैं। मिट्टी के लिए एक म्यूजियम है अलग से, जुरासिक ईरा के प्लांट्स की स्पीसीज हैं, लाइकन्स हैं, मोजिस हैं, एल्गी हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लाइकन्स का मतलब बता दीजिए, लाइकन्स क्या होते हैं, और इवन मोजिस के बारे में भी आप बता दीजिए, मोजिस से आप क्या समझते हो। पहले लाइकन्स की बात करते हैं। लाइकन्स देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, किन किन के बीच? एल्गी और फंगी के बीच। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिजम्स के बीच एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों को म्यूचुअली फायदा होता है। फॉर एग्जांपल, ए और बी, दोनों के बीच अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है तो ए को भी फायदा होगा बी से और बी को फायदा होगा ए से। तो एल्गी और फंगी के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है लाइकन। एल्गी फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, और जो फूड प्रिपेयर किया जाता है एल्गी के द्वारा, थोड़ा बहुत दिया जाता है फंगी को। फंगी क्या प्रोवाइड करता है एल्गी को? फंगी प्रोवाइड करता है पानी, मिनरल्स, इसके अलावा एल्गी को शेल्टर भी दिया जाता है फंगी के द्वारा। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, ये 2014 का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में लाइकन्स के बारे में बताया गया है और पूछ रखा है, लाइकन जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किन किन के बीच में? एल्गी और बैक्टीरिया के बीच में, एल्गी और फंगी के बीच में, बैक्टीरिया और फंगी के बीच में, फंगी एंड मोजिस के बीच में। अगर देखो सीधा सीधा याद करने की कोशिश करेंगे तो भूल जाने की संभावना है, लेकिन समझा है अगर कौन किसको क्या देता है तो फिर ऑप्शंस भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लीजिए लाइकन के बारे में आपने पढ़ा है और इतना आपको याद है कि एक चीज जो है वो खाना देती है और दूसरी चीज शेल्टर देती है, मिनरल देती है, वाटर देती है, नाम आप भूल गए, तो ऑप्शन में आप देखोगे बैक्टीरिया और फंगी, दोनों में से कोई भी अपना खाना नहीं बनाता है, एल्गी अपना खाना बनाता है, तो ये ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। तो समझ के करते हैं तो ऑप्शंस एलिमिनेट ज्यादा आसानी से हम कर सकते हैं। अब यूपीएससी ने देखो एक और भी क्वेश्चन पूछा था 1999 में, इसमें लाइकन ऑप्शन में था। ये चीज यूपीएससी बहुत करती है, कई बार आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसका क्वेश्चन मिलेगा, और कई बार स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में जो आपको स्टेटमेंट मिलेगी वो किसी और ईयर में यूपीएससी ऑप्शन में पूछ लेगी। मतलब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूपीएससी बार बार रिपीट करती है, कभी स्टेटमेंट में कभी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप दे दीजिए, फंगी और हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच जो एसोसिएशन है वो क्या है? मैं फिर से बोलता हूं, एक तरफ फंगी प्लस में हायर प्लांट्स के रूट्स, दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे माइकोराइजा। अब फिर से आते हैं हल्द्वानी बायोडाइवर्सिटी पार्क की तरफ। इसमें देखो यही बातें बोली गई हैं कि स्टेट ऑफ आर्ट वेदर सेक्शन है, 40 यूनिक सेक्शंस हैं, 479 रेयर प्लांट्स हैं, कैक्टस हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, अलग अलग टाइप के ट्रीज हैं। कुछ और एक्स्ट्रा बातें, जैसे इवन दूर दराज के एरिया से भी प्लांट्स लाए गए हैं इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में।
जैसे देखो ग्लेशियर्स हैं, नीतिमाना वैली, नीतिमाना वैली कहाँ पर है यूपीएससी पूछ सकती है, ये उत्तराखंड में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर के पास है ये नीतिमाना वैली। इसके अलावा देखो अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं, जैसे अध्यात्म से जुड़े जो प्लांट्स हैं उनको पर्टिकुलर सेक्शन में रखा गया है, ह्यूमन हेल्थ से जुड़े प्लांट्स को उस सेक्शन में रखा गया है, साइंटिफिक प्लांट्स का सेक्शन अलग है और जो प्लांट्स दिखने में अच्छे लगते हैं उनका सेक्शन अलग है। स्पिरिचुअल सेक्शन में वो प्लांट्स रखे गए हैं जिनका उल्लेख है, मेंशन है हमारे पवित्र ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहिब में, कुरान में, बाइबल में, गीता में, इन पवित्र ग्रंथों में जिन प्लांट्स का जिक्र है उनको स्पिरिचुअल सेक्शन में रखा गया है। और मिट्टी का जो अलग सेक्शन है उसमें अलग अलग मिट्टी के सैंपल्स रखे गए हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल मैरपोल के बारे में है। मैरपोल का क्या मतलब है? मैरपोल देखो एक कन्वेंशन है, पूरा नाम है कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन। देखो सीज में, ओशियंस में या फिर इंटरनल वाटरवेज में जब ये शिप्स यानी जहाज चलते हैं तो इनकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है। ये पानी में काफ़ी खतरनाक केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, इस प्रकार का पोल्यूटेंट्स हवा में इनके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। और काफ़ी बार तो ये जो जहाज होते हैं तेल लेके जा रहे होते हैं यानी ऑयल लेके जा रहे होते हैं, बट एक्सीडेंट की वजह से या फिर दूसरे रीजंस की वजह से ऑयल जो है वो वाटर में गिर जाता है, फैल जाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑयल स्पिल। इसकी वजह से मैरीन बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। 1978 में सिप्स से होने वाले पोल्यूशन को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था, एक कन्वेंशन अडॉप्ट की गई थी, उसी कन्वेंशन का नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम सिप्स यानी मैरपोल। और 1978 में ही क्यों? क्योंकि देखो एक दो साल पहले काफ़ी सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए थे कि टैंकर ऑयल लेके जा रहे थे लेकिन एक्सीडेंट हो गया, सारा जो ऑयल था वो सी में या फिर वाटर बॉडी में गिर गया और इससे मरीन बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो फिर रियलाइज हुआ वर्ल्ड के स्टेक होल्डर्स को, खास करके इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को, कि कोई तो कन्वेंशन होनी चाहिए सिप्स से होने वाले पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए। तब ये कन्वेंशन अडॉप्ट की गई थी 1978 में। इस कन्वेंशन में ऐसी गाइडलाइंस, ऐसे रेगुलेशंस हैं जो कि जरूरी हैं ये इंश्योर करने के लिए सिप्स जो हैं वो वाटर बॉडीज में पोल्यूशन ना फैलाएं। एक बात आप ये जरूर याद रखिएगा, इंडिया इस कन्वेंशन में पार्टी है। देखो सामान्यतः आपको ऐसा मिलेगा, ये जो अच्छी अच्छी कन्वेंशंस होती है ना कॉमन गुड से संबंधित, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इंडिया इन कन्वेंशंस में पार्टी मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसा हो कि कन्वेंशन की वजह से हमारे देश की सोवरेनिटी पे कोई खतरा आता हो या फिर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच डिस्क्रिमिनेशन हो, कुछ देश को एलीट स्टेटस दिया गया हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसमें 5 देशों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया, लेकिन सामान्यतः जो अच्छी अच्छी कन्वेंशंस होती हैं उनको इंडिया ज्वाइन कर लेता है। इस कन्वेंशन में 6 एनेक्सेस हैं। एनेक्सेस का क्या मतलब होता है? देखो सिंपल भाषा में मान लीजिए एक बिल्डिंग बनाई, इसी बड़ी बिल्डिंग के साथ एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया अलग से, तो इसे एनेक्स कह देते हैं। तो मतलब कन्वेंशन के अलावा 6 थोड़े थोड़े और पार्ट्स हैं अलग अलग इश्यूज पे। 6 जो एनेक्सिस हैं वो कौन कौन से इश्यूज पर हैं? सबसे पहले पोल्यूशन फ्रॉम द सिप्स बाय ऑयल, यानी ऑयल से जो पोल्यूशन होता है। दूसरे नंबर पे नोक्सियस लिक्विड सब्सटेंसेस। तीसरे नंबर पे डेंजरस गुड्स इन पैकेज्ड फॉर्म। चौथे नंबर पे सीवेज। पांचवें नंबर पे गार्बेज। छठे नंबर पे एयर पोल्यूशन फ्रॉम द सिप्स। देखो यूपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगी इतना डीप में जाके कि मैरपोल कन्वेंशन के अंदर 6 एनेक्सिस हैं और आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा एनेक्स है या फिर कौन सा एनेक्स नहीं है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रिलेटिवली बहुत कम है, इतना डीप में जाकर यूपीएससी नहीं पूछेगी। ज़्यादा संभावना ये पूछे जाने की है कि आप ये बताओ मैरपोल कन्वेंशन किससे संबंधित है, चाइल्ड लेबर से संबंधित है, वुमन एम्पावरमेंट से संबंधित है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से संबंधित है या फिर सिप से होने वाले पोल्यूशन को रोकने से संबंधित है, तो लास्ट वाली स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल सेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है?
देखो, कोविड-19 महामारी के कारण हमारे देश की इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ा है। प्रतिकूल मतलब एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है, खराब इम्पैक्ट पड़ा है। तो अभी एक्सपर्ट्स के द्वारा ये डिबेट की जा रही है कि आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी किस प्रकार से रिकवर करेगी, रिकवरी पाथ क्या हो सकता है। ये देखो, हम ग्राफ्स की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले है जेड शेप्ड रिकवरी। एक सेकेंड आप रुकिए। हाँ, अब ठीक है। पहले देखो, हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इस प्रकार से थी, लेकिन जैसे ही महामारी आई एकदम से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो गई। अब सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो ये है, हमने जो ये स्टेप्स लिए हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, आत्मनिर्भर अभियान, और ये महामारी रुक जाए तो एकदम से हमारी इकोनॉमी फिर से उठना स्टार्ट होगी, क्योंकि रिफॉर्म्स लिए हैं इसलिए पहले से भी ज़्यादा उठ जाएगी। उसके बाद साइकिल चलते ही हैं इकोनॉमी में, कभी बूम कभी बस्ट, मतलब कभी अप कभी डाउन। तो इवेंचुअली जो शेप होगी वो इस प्रकार से होगी, थोड़ा आगे जाके फिर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट उतनी ही हो जाएगी जितना कोविड-19 से पहले थी। अगर ऐसा होता है तो मतलब हमारे देश की इकोनॉमिक रिकवरी जेड शेप्ड रिकवरी है। लेकिन देखो, ये तो ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है, और भी काफ़ी सारे सिनेरियोज हैं। वी शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी में क्या होगा, अभी इकोनॉमिक सिचुएशन एकदम से खराब हुई महामारी के कारण, फिर से उठना स्टार्ट होगी जो हमने स्टेप्स लिए हैं, और वैसी ही हो जाएगी कुछ समय के बाद जैसी कोविड-19 से पहले थी। अगर ऐसा होता है तो ये होगा वी शेप्ड रिकवरी। उसके बाद है यू शेप्ड रिकवरी। फर्क क्या है वी शेप्ड और यू शेप्ड में, आपने यहां पर देखा होगा वी शेप्ड रिकवरी में एकदम से रिकवरी स्टार्ट हो गई सडन, लेकिन यू शेप्ड रिकवरी में रिकवरी धीरे धीरे हो रही है। ये देखो, काफी समय लग रहा है, ये बहुत सारा टाइम चला जाएगा तब जाके इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ठीक वैसी होगी जैसा कोविड-19 से पहले थी। ये डिफरेंस है वी शेप में और यू शेप में। वी शेप में एकदम से रिकवरी हो गई कम समय में, लेकिन यू शेप में टाइम बहुत लगा है। उसके बाद दो तीन सिनेरियो और भी हैं, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी में क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन एकदम से खराब हुई महामारी की वजह से, फिर ठीक होना स्टार्ट होगी, लेकिन सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक आ जाएगा, मतलब ये महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, दूसरी वेव भी आ जाएगी। दूसरी वेव आएगी तो एकदम फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर से लॉकडाउन लगेगा, फिर से इंप्रूव होनी स्टार्ट होगी। ये होगा डब्ल्यू शेप्ड कर्व। और सबसे लास्ट में है एल शेप्ड रिकवरी। बस ये नहीं होना चाहिए, ये तो घटिया है, मतलब एकदम से खराब हुई सिचुएशन और फिर इकोनॉमी रिकवरी ना कर पाई, मतलब जितना कोविड-19 से पहले सिनेरियो था वो हो ही ना पाए, हमारी इकोनॉमी का साइज ही श्रिंक हो जाए। तो किसी भी कीमत पे ये नहीं होनी चाहिए हमारे देश का इकोनॉमी की रिकवरी। अच्छा ये होगा कि जेड शेप रिकवरी हो, एकदम से रिकवरी हो और फिर बेशक थोड़ा सा डाउन आ जाए और हम उसी सिचुएशन पे आ जाएं जैसा कोविड-19 से पहले थे, या फिर वी शेप रिकवरी हमारे देश की इकोनॉमी की हो तो भी अच्छा है। खैर चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन कलर बैंड फॉर BS6 4W व्हीकल्स के बारे में है। BS का मतलब है यहाँ पर भारत स्टेज। देखो ये जो भारत स्टेज नॉर्म्स हैं, ये सरकार सबसे पहले लेके आई थी 2000 में। क्या मतलब है इन भारत स्टेजेस का? देखो, व्हीकल्स से जो पोल्यूशन निकलता है उसको रेगुलेट करने के लिए ये स्टेजेस हैं। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल भारत स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे जैसे हम भारत स्टेज में आगे बढ़ते हैं, व्हीकल्स के अंदर इंजन की जो क्वालिटी है बेहतर होती जाती है, इंजन की क्वालिटी ऐसी होती जाती है कि वो कम से कम पोल्यूटेंट को एमिट करें। भारत स्टेज 5 को छोड़ दिया गया सरकार के द्वारा, सीधा 4 से 6 पर जंप किया गया, क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था वेरियस सिटीज़ में। तो सरकार ने एकदम से आदेश दे दिया था ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले कि हम 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज नॉर्म्स 6 को फॉलो करेंगे। मतलब व्हीकल्स में इंजन की जो क्वालिटी है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे इतने पोल्यूटेंट्स एमिट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं,
और जितने पोल्यूटेंट्स एमिट होना अलाउ होता है वो बहुत ही कम होता है, पोल्यूशन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है अगर इंजन की क्वालिटी अच्छी हो। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। देखो, भारत स्टेज 4 नॉर्म्स के अपेक्षाकृत अब भारत स्टेज 6 नॉर्म्स को अगर फॉलो किया जाएगा, भारत स्टेज 6 के नॉर्म्स के अनुसार अगर व्हीकल्स में इंजन होंगे तो देखो उन व्हीकल्स से 5 गुना कम सल्फर एमिट होगा। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड भी काफ़ी कम एमिट होता है भारत स्टेज 6 के नॉर्म्स के अनुसार जो व्हीकल्स हैं उनमें, एज कंपेरिजन टू भारत स्टेज 4 के नॉर्म्स के अनुसार जो व्हीकल्स हैं। तो ये तो हमने कुछ बेसिक्स की बात कर ली। अभी न्यूज़ देखो ये है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कहा है ये जो भारत स्टेज 6 वाले व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स में आगे वाला जो शीशा होता है उसके ऊपर एक स्टिकर लगाना अनिवार्य होता है जिसमें डिटेल्स दी होती हैं कि रजिस्ट्रेशन क्या है BS6 व्हीकल का, कौन से फ्यूल से ये व्हीकल चलता है, अगर पेट्रोल या फिर CNG से चलता है तो उस पर लाइट ब्लू कलर का स्टिकर होता है, अगर डीजल से चलता है तो ऑरेंज कलर का स्टिकर होता है। अब रूल ये आया है नया, सभी स्टिकर्स पे एक ग्रीन कलर की 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी लगाना जरूरी है। इसी के बारे में ये न्यूज़ है, समझ गए। मैं फिर से बोलता हूँ, भारत स्टेज 6 वाले जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर पहले जो स्टिकर लगता था अब स्टिकर्स पे 1 सेंटीमीटर चौड़ा एक ग्रीन कलर की पट्टी लगानी जरूरी है, स्ट्रिप लगानी जरूरी है। ये अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा बोला गया है। चलते हैं आगे। अब लास्ट में एक छोटी सी न्यूज़ है इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बारे में। क्या कंटेस्ट है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने देश का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए। पर्पस क्या है, पर्पस देखो ये है, जो जहरीला वेस्ट होता है टॉक्सिक वेस्ट उसका सेफ डिस्पोजल इंश्योर करना, मतलब जहरीला जो वेस्ट पदार्थ होता है उसे हम अच्छे ढंग से डिस्पोज कर सकें, ठिकाने लगा सकें, किसकी हेल्प से, मॉनिटरिंग स्क्रूटिनाइजिंग वेस्ट की ऑडिटिंग की सहायता से। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म इंश्योर करेगा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट, 6 R's को प्रमोट करेगा। ये देश का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, कौन से 6 R's, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफर्बिश, रीडिजाइन और सबसे लास्ट में रीमैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेस्ट आइटम, कौन इंप्लीमेंट करेगा, आंध्र प्रदेश एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। अगर UPSC पूछे कि इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कौन से राज्य ने इस्टेब्लिश किया है, आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अब जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर 5 स्टेटमेंट्स हैं, मन में सोच लीजिए इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपके अनुसार कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। सबसे पहली स्टेटमेंट मैरपोल कन्वेंशन से संबंधित है, ये गलत है। गलत क्यों है, इंडिया देखो इस कन्वेंशन में सिग्नेटरी है और यहाँ पर नोट दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, क्यों, क्योंकि देखो फंगी और हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच जो फंक्शनल एसोसिएशन है ये होता है माइकोराइजा, लाइगेंस नहीं होते, लाइगेंस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है फंगी और एल्गी के बीच में, तो ये दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट हल्द्वानी बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में, तो ये भी गलत है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज मटेरियल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तेलंगाना के द्वारा, नहीं, आंध्र प्रदेश के द्वारा। सबसे लास्ट में BS नॉर्म्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इम्प्लीमेंटेशन होता है CPCB जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।